Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss about the legal current affairs and related concepts on Indian polity. So in the last session, I have discussed about the service voters, who are the service voters and how do they vote. Then the next topic we have discussed was the voting rights of the prisoners. कि जो लोग जेल में हैं उनकी voting rights कहाँ हैं? Is it clear? So एक law student ने Supreme Court से ये question किया था regarding their right, जो उनको नहीं मिल रही है under trials or convicts को, their right to vote. So next topic in this session we are going to take nota. Now what do you mean by the nota? Nota का full form क्या है? It is used in elections. तो इसका मतलब nota का full form क्या है आपको? Anybody can tell me? It means none of the above. इज इट यू? तो इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है नोटा पे, रिसेंट इलेक्शंस में जो नोटा पे वोट्स कास्ट हुई हैं उस पे इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है. ठीक है, इट इज़ मीन्स आप किसी को वोट नहीं डाल रहे, नन ऑफ द अबव. इज इट क्लियर? तो अगर वोटर चूज़ करता है, अगर वोटर चूज़ करता है टू प्रेस नोटा, इसका मतलब क्या है कि वोटर ने कोई भी किसी भी पार्टी को वोट नहीं डाली है. लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में जो ऑप्शन था नोटा का, दैट वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2013. लोकसभा की इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटा कब इस्टेब्लिश किया था? 2013 में. और राज्यसभा की पोल्स में ये नोटा की जो ऑप्शन थी, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन 2014. लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में किसने प्रिस्क्राइब किया था? सुप्रीम कोर्ट ने. लेकिन राज्यसभा पोल्स में किसने इंट्रोड्यूस किया था? इलेक्शन कमीशन ने किया था 2014 में. इज इट क्लियर? नाउ इंडिया ये 14th कंट्री है टू इंस्टीट्यूट नेगेटिव वोटिंग. 14 ऑलरेडी 13 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये नेगेटिव वोटिंग को इंट्रोड्यूस किया है. नाउ 14th कंट्री इज़ दी इंडिया. ठीक है, अब पहले क्या था कि अगर नेगेटिव बैलेट कास्ट करनी है, नेगेटिव वोट डालनी है, वोटर को पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ता था पोलिंग बूथ पे. लेकिन अब ये जो नोटा की ऑप्शन आ गई है, दिस डजंट रिक्वायर दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर. वो सीधा आप जाओ वहाँ पे, नोटा का ऑप्शन है, नोटा का ऑप्शन को प्रेस करो. इज इट क्लियर? दैट इज़ None of the above. So state election commission है जो हरियाणा की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ने जो directives दिए थे PCUL versus Union of India में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ directives दिए थे PUCL versus Union of India में, तो state election commission of हरियाणा in compliance with such directives, they have issued an order regarding the application of nota. तो उन्होंने क्या इशू ऑर्डर किया है कि जो नोटा, इट शैल बी ट्रीटेड एज फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट. ठीक है, इट विल बी ट्रीटेड एज फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट जब वाइल डिक्लेयरिंग द इलेक्शंस रिजल्ट. कि नोटा को क्या डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, जब इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट. सो अगर जो कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सो इन अ केस contesting candidates and fictional electoral candidates, that is nota, highest equal number valid votes मिलेंगे, जो contesting candidates होंगे shall be declared as elected. However, if an election all the contesting candidates individually receive lesser votes than the fictional candidate, that is nota, then none of the contesting candidate will be declared as elected and re-election shall be held for the seats. Is it clear? This is the topic of nota. तो nota आपको क्या कह रहे हैं? None of the above. जब आप किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालते हो. ठीक है, ये इंडिया 14th कंट्री है जो नेगेटिव वोट को इंस्टीट्यूट किया इन्होंने. पहले अगर नेगेटिव बैलेट करना था तो क्या था, यू हैव टू इन्फॉर्म द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एट अ पोलिंग बूथ. लेकिन नोटा जब से आया तब से प्रिसाइडिंग ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें. तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा ने, इन कंप्लायंस विद द डायरेक्टिव्स इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन PUSL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नोटा को उन्होंने क्या कहा है? फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट कहा है. इज इट क्लियर?
So this was the topic of NOTA. Next topic that we are going to take up is regarding the electoral bond. Is it clear? Electoral bond kya hai abhi? What do you mean by the term electoral bond? Supreme Court ne पहले हम ये बाद में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है. पहले हम कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के. इज इट क्लियर? सो जो ये आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये कोई भी पर्सन परचेज कर सकता है जो कि इंडिया का सिटीज़न है या ही हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. इज इट क्लियर? फीचर्स क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड? कोई भी परचेज कर बाय अ पर्सन हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. सेकेंड फीचर क्या है? अ पर्सन बींग एन इंडिविजुअल वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को बाय कर सकता है या तो सिंगली भी से खुद पर्सनली भी कर सॉरी एक सिंगल पर्सन भी इसको कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकते हैं एंड जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स भी वो बाय कर सकते हैं. सो परचेजर है दे विल अलाउड टू बाय इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म्स. ठीक है? एंड बाय मेकिंग पेमेंट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ द जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर अलॉटेड टू वेरीफाइड द अकाउंट बाय द इलेक्शन कमीशन एंड ऑल द इलेक्ट्रल बोर्ड ट्रांजैक्शन आर डन थ्रू दिस अकाउंट ओनली. जो रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 29 है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड दे हैव सिक्योर्ड नो लेस देन 1% वोट्स इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन आर एलिजिबल टू रिसीव इलेक्ट्रल बॉन्ड्स. बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे या परचेज किए जाएंगे फॉर एनी वैल्यूज इन मल्टीपल ऑफ 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,000 एक्सेट्रा SBI की ब्रांचेस से और वो भी स्पेसिफाई की जाएंगी कौन सी डेट. सो इलेक्ट्रल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. इज इट क्लियर? तो ये कोई भी परचेज कर सकता है जो आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते बट दे हैव डायरेक्टेड टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू सबमिट द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट्स रिसर्व एंड डिटेल्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ डोनर्स. क्या डायरेक्ट किया है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को कि जितना भी अमाउंट मिल रहा है उसकी रिसिप्ट दो और डिटेल्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ डोनर्स इन अ सील्ड कवर टू द इलेक्शन कमीशन. सो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ 2017-18 फॉर पॉलिटिकल फंडिंग. तो इलेक्ट्रल बॉन्ड है इट इज़ अ बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर फंडिंग एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज. वी वर टॉकिंग अबाउट द KYC. KYC क्या है? KYC नॉर्म्स, Know your customer. Is it clear? So in this session we have taken up two topics, that is regarding the NOTA and next topic we have discussed is the electoral bond. Is it clear? So now in the next session we are going to take up the next topic, that is systematic voters education and electoral participation program, that is SWEEP. Thank you.